आज भारत के गणतंत्र दिवस पर मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। यह गणतंत्र दिवस हम भारतवासियों के लिए एक केवल महत्वपूर्ण दिन नहीं है, लेकिन इस दिन पर हमें वह संकल्प भी लेना होगा कि भारत की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा की वातावरण को हमें अपनी जिंदगी में हमें मजबूत बनानी होगी। हमारा भारत विश्व में नई ऊंचाई तक पहुंच पाए, एक नक्षत्र की तरह विश्व पटल पर उजागर हो पाए, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और हर भारतवासी से मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने दिनचर्या में, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं, पर देश के योगदान में भी वह प्राथमिकता हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा देश है तो हम हैं, तो राष्ट्र सदैव प्राथमिक होना चाहिए। मेरी सोच विचारधारा है कि एक अमन चैन का वातावरण, एक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण के नींव पर भारत की आर्थिक शक्ति को हमें उजागर करनी होगी। नौजवानों को ऊर्जा के साथ भारत के प्रथम पंक्ति में हमें लाना होगा, और यही सोच विचारधारा के साथ हमें भारत को एक सक्षम देश बनाना होगा। मेरा आपसे भी निवेदन है कि जो आपके सुझाव हों, आपके विचारधारा हों, भारत के इस गणतंत्र दिवस पर उन विचारधारा और सुझाव को भी आप प्रेषित करें, ताकि एक संयुक्त रूप से आप और हम मिलकर एक भारत, मजबूत भारत, एक अखंड भारत का निर्माण हम साथ में मिलकर करें। लंबा सफर इस देश ने तय किया है, और हर वर्ष की तरह इस बार 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस का आज उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक लोकतंत्र का पर्व है, और इसमें हम लोगों को स्मरण करना चाहिए जब शुरुआत हम लोगों ने करी थी। बहुत से लोग आशंकाएं जताते थे कि ये एक लोकतांत्रिक मुल्क रह सकता है कि नहीं रह सकता है, तो जो बहुत नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं, संस्थाओं को निर्मित किया, उस ढांचे को बरकरार रखा है, और इतने लंबा समय बीतने के बाद आज हम लोग मजबूत होकर उभरे हैं। इसलिए मैं उन सब लोगों को जिन्होंने इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान दिया है, उनका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय के लिए, खासकर जो युवा पीढ़ी है, देशवासी और भारतवासी और हमारे प्रदेशवासियों से सबसे अपील है कि हमारी जो मूलभूत सोच है, जो हमारा गणतंत्र और लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान है, उसी को हम लोग सर्वमान्य मानकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला समय है वो हमारे लिए मंगलमय हो, देश विकास के रास्ते पर चले, और जो तमाम ताकतें हमको कमज़ोर करने में लगी हैं उसको पूरा देश एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देगा। आज का दिन सब लोगों को बहुत गर्व होने वाला दिन है। तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस पर बहुत सी